आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्रग्स दैट एक्ट इन सीएनएस। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सीएनएस फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सीएनएस में क्या क्या चीज़ आती है। तो सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कम्प्लीटली मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ न्यूरोन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, तो हमें समझना ज़रूरी है कि न्यूरोन्स की अरेंजमेंट कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोनल अरेंजमेंट्स, टू टाइप्स ऑफ न्यूरोनल अरेंजमेंट या न्यूरोनल सिस्टम सिस्टम्स। जो पहला सिस्टम है उसका नाम है हायरार्कियल सिस्टम, हायरार्कियल सिस्टम्स। एक्चुअली इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। दिस इज अ न्यूरॉन की सेल बॉडी, दिस इज़ अ लॉन्ग एक्सोन, ये हो गया एक्सोन टर्मिनल। दिस इज़ अ सेकेंड न्यूरोन की सेल बॉडी, एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल। ये देखे ना, एक्सोन और डेंड्राइट क्या करते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। दिस इज़ अ सिनेप्स, ये सिनेप्स बन गए। ठीक है, जो हायरार्कियल सिस्टम के न्यूरोन्स हैं वो हाईली माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है, और इसकी ब्रांचिंग बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1:1 सिनेप्स। अगर ब्रांचिंग कम है, डेंड्राइट्स कम है, तो क्या होगा, मोस्टली चांसेस है 1:1 सिनेप्स होने का। तो पहले हम ये लिखते हैं कि लार्ज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, लार्ज माइलिनेटेड रैपिडली कंडक्टिंग कंडक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं। अब एक चीज़ और देखें, अगर ये देखें लार्ज रैपिडली कंडक्टिंग और सिंगल सिनेप्स बन रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्पेसिफिसिटी होगी। लाइक इधर वाला जो सिनेप्स जो है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन मतलब सीधा सीधा एक ही न्यूरॉन के पास आएगा। मतलब इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आके मिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर यहाँ पर कोई और सिनेप्स होता, तो देखें यहाँ पर कोई एक और सिनेप्स होता इसके साथ, तो इसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़्यादा, तो जो है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के पास तो मिक्स सिनाप्स ज़्यादा ना, तो ये तो नॉन स्पेसिफिक हो जाता है। लेकिन ऐसा हायरार्कियल सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। हायरार्कियल सिस्टम में जो है 1:1 सिनाप्स हो रहा है। सो इट इज स्पेसिफिक सिस्टम, पिक सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें मेजर एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं। तो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसमें स्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ठीक हो गया, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स इसमें देखें, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स इसमें गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड एंड ग्लाइसिन। ठीक हो गया, नाउ हमारे बॉडी में ये सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था ट्रैक्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। असेंडिंग मीन्स सेंसरी ट्रैक, डिसेंडिंग मीन्स मोटर ट्रैक। तो वो ट्रैक्स ऐसे ही उसका जो है अरेंजमेंट था, कुछ लॉन्ग फाइबर्स थे, माइलिनेटेड थे। तो वो जो ट्रैक्स हैं वो सेंसरी एंड मोटर सिस्टम को वो करते हैं। तो ये जो है हायरार्कियल सिस्टम भी मोस्टली प्रेजेंट होते हैं या कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल मेजर सेंसरी एंड मोटर पाथवेज या सिस्टम्स। ठीक हो गया, नाउ आ जाते सेकेंड टाइप ऑफ जो है न्यूरोनल क्लासिफिकेशन या न्यूरोनल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज सिस्टम। ठीक है, डिफ्यूज सिस्टम का मैंने अभी वैसे एग्जांपल दिया था, फिर बता देता हूँ कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं और लेस माइलिनेटेड होते हैं। ये देखिए एक्सोन टर्मिनल आ गया, फिर दूसरा न्यूरॉन, उसका डेंड्राइट हो गया, ये हो गया। और लेकिन पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन्स जो है ये बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्स करेगा। ठीक है, तो इधर का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाएगा, इधर का भी जाएगा और इधर का भी जाएगा। तो पोस्ट सिनाप्टिक के पास एक मिक्स्ड इंफॉर्मेशन जाएगा। सो इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, दिस इज नॉन स्पेसिफिक सिस्टम सिस्टम्स। ठीक हो गया, इसमें स्मॉल स्मॉल लेस माइलिनेटेड स्लो कंडक्टिंग न्यूरॉन्स होते हैं,
ठीक हो गया। अब इसमें ऐसा जो है डिफ्यूज सिस्टम है, यहाँ पर हम एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी सिग्नल जो है ट्रांसमीटर्स को नहीं कह सकते हम, इसमें रिसेप्टर होते हैं डिफरेंट जो कि कुछ एक्साइटेटरी जैसा काम करता है, कुछ इनहिबिटरी जैसा काम करता है विद द सेम न्यूरो ट्रांसमीटर। सो हम ओवरऑल इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात कर लेते हैं, इसमें जो ट्रांसमिट न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, इसमें मेनली मोस्टली जो है अमाइंस है, अमाइंस ग्रुप, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, उसके बाद सेरोटोनिन, ऐसे हो गया डोपामिन, जैसे दो तीन और हैं जो कि अमाइंस ग्रुप में वाले इसमें मेन है, और कुछ होते हैं पेप्टाइड्स वाले, ठीक है। तो ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कहाँ पर रोल है हमारे बॉडी में या हमारे नर्वस सिस्टम में। तो ये कंट्रोल करता है या इफेक्ट करता है इफेक्ट्स अपेटाइट, अटेंशन एंड इमोशन, ठीक है, इमोशंस। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूरोनल सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रग्स यूज्ड इन CNS है वो कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, व्हाट आर द साइट्स ऑफ एक्शन ऑफ जो है ड्रग्स यूज्ड इन CNS, ठीक है। तो वो समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर बनते कैसे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था ANS के वीडियो में कि जो है एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन कैसे बनते हैं, सेम वैसे ही मैकेनिज्म यहाँ पर मैं अगेन रिवाइज करा देता हूँ। वो ये एक है प्री सिनाप्टिक नर्व टर्मिनल, ठीक है, एंड दिस इज पोस्ट सिनाप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये भी एक न्यूरॉन है, पोस्ट सिनाप्टिक न्यूरॉन, उसका बस मेम्ब्रेन में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, उसका बस काम है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल आता था, इस एक्शन पोटेंशियल के रिस्पॉन्स में यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर बनता था। न्यूरो ट्रांसमीटर बन के वो क्या होता था, न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर होता था, स्टोरेज, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर की ओके स्टोरेज हो गया। स्टोरेज के बाद ये क्या होता था, या तो ये मेटाबोलाइज होता था या फिर ये रिलीज होता था, ठीक है, रिलीज होता था। जो रिलीज होके ये सिनेप्टिक गटर में आ गया, यहाँ से या तो ये रिसेप्टर में बाइंड करता था, ये है एक रिसेप्टर, रिसेप्टर में बाइंड करता था और आकर यहाँ पर मेम्ब्रेन के जो है परमियाबिलिटी चेंज करता था फॉर आयोन्स, तो यहाँ पर आयोन चैनल होता था फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये आयोन चैनल से, या फिर ये जो है ये रिअपटेक होता था, यहाँ से रिअपटेक हो गया, या फिर यहाँ पर उसकी डिग्रेडेशन होती थी। तो इन सारे साइट्स पर जो है ये ड्रग्स यूज्ड इन CNS काम करता है। तो मैं आपको ये यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्शन पोटेंशियल आते ही क्या हो गया, सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस के बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा, स्टोरेज के बाद जो जो है इसकी मेटाबॉलिज्म हो सकती है, इसकी जो है रिलीज हो सकती है, इसकी जो है रीअपटेक हो सकती है, रीअपटेक, यहाँ पर डिग्रेडेशन हो सकती है, या तो वो रिसेप्टर पे आके बाइंड करके आयन चैनल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, जो ड्रग्स यूज्ड इन CNS है वो एक्शन पोटेंशियल को आने नहीं देगा, या तो वो सिंथेसिस को रोक देगा, या तो वो स्टोरेज को रोक देगा, या फिर वो मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा, या फिर वो रिलीज को रोक देगा, या फिर वो रिअपटेक को बढ़ा देगा ताकि सिनेप्टिक गटर में कम रहे और रिसेप्टर के साथ कम बाइंड करे, सो दैट अंदर जो है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो है चेंजेस कम आए या एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सेवन्थ पे जो है रिसेप्टर पे आके खुद काम कर सकता है, या फिर वो डिग्रेडेशन को बढ़ा सकता है, या फिर वो मतलब देखिए ना, रिसेप्टर पे अगर बाइंड भी हो गया तो इसको एक्टिवेट होना मतलब एक्टिवेट हो के आयन चैनल ओपन होता था, तो आयन चैनल को ओपन नहीं होने देगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, सिंथेसिस, स्टोरेज, मेटाबॉलिज्म, नाउ यहाँ से रिअपटेक, डिग्रेडेशन, या फिर वो रिसेप्टर बाइंड करेगा और इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इन सारे जगह पे फिगर, दीज आर द साइट्स ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन CNS, ठीक हो गया। नाउ कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर
को हम न्यूरो ट्रांसमीटर क्यों कहते हैं, या किसी भी केमिकल को न्यूरो ट्रांसमीटर होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करनी पड़ती है। तो वो क्राइटेरिया देखें, दीज आर क्राइटेरियंस, सॉरी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर, अ केमिकल टू बी अ न्यूरो ट्रांसमीटर इट मस्ट फॉलो थ्री बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, पहला क्राइटेरिया है कि उसकी मतलब उस केमिकल की इट मस्ट बी प्रेजेंट, केमिकल मस्ट बी प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इन सिनेप्टिक रीजन रीजन देन अदर रीजन देन अदर पार्ट्स अदर पार्ट। ठीक हो गया। नाउ सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उसकी रिलीज केमिकल या जो है इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से होगा वाया कैल्शियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म। इट मस्ट बी रिलीज, इट मस्ट बी रिलीज इट मस्ट बी रिलीज बाई केमिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूमुलस, इलेक्ट्रिकल ओके इलेक्ट्रिकल स्टूमुलस वाया कैल्शियम डिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक हो गया। और जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर हम वो केमिकल बाहर से दे रहे हैं, बाहर से दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट इन अ सिनेप्स या उस सिनेप्स मतलब एक सिनेप्स पर, फॉर एग्जांपल ओके ये देखे एक सेल बॉडी था, ये एक न्यूरॉन था, ये उसके एक्सॉन टर्मिनल एंड दिस इज डेंड्राइट, दिस इज सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन। अब देखे ना ये एक सिनेप्स है, नॉर्मली यहाँ पर एसिटाइल कोलिन फॉर एग्जाम्पल जो है ये प्री सिनेप्टिक निकाल रहा था और इसका इफेक्ट जो था पोस्ट सिनेप्टिक पर जो इफेक्ट था वही इफेक्ट आना चाहिए अगर हम ऐसे ही कोई दूसरा केमिकल या बाहर से एसिटाइल कोलिन हम दे दें इस सिनेप्स पे तो सेम इफेक्ट आना चाहिए। तो अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं मस्ट प्रोड्यूस सेम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन बॉडी एज जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ द सिनेप्स की वजह से होता था एज है ना द इफेक्ट एज द इफेक्ट या मस्ट प्रोड्यूस सेम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन बॉडी एज इट या एज द इफेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ सिनेप्स की वजह से होता था सिनेप्स मतलब मस्ट प्रोड्यूस सेम सॉर्ट ऑफ इफेक्ट ऑन बॉडी एज द इफेक्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ सिनेप्स। अगर मतलब सिनेप्स को फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट करे तो जो इफेक्ट आएगा वैसा ही इफेक्ट जो है उस केमिकल को देने से आ गया तो इसका मतलब वो केमिकल जो है न्यूरो ट्रांसमीटर है। इस प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी इसको हम सिनेप्टिक मिमिक्री भी कहते हैं, दैट इज इट मस्ट एग्जिबिट सिनेप्टिक मिमिक्री। अब कुछ बुक्स हैं जो कि दो तीन और पॉइंट्स ऐड करते हैं इसमें कि न्यूरो ट्रांसमीटर मस्ट बी रिलीज फ्रॉम न्यूरॉन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उसकी इनहिबिशन भी पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, उसके इनहिबिटर के प्रेजेंस में। तो बेसिकली जो है हमारे केजंग में लिखा है जो कि हमारे रेफरेंस बुक है वो ये तीन पॉइंट्स हैं। तो आप ये याद रखें, बाकी हम पार्ट टू में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।